आज की कद्दू की रेसिपी दोस्तों मैंने खुद एक हलवाई से सीखी है। ये रेसिपी देख के आपको यकीन ही नहीं होगा कि मसाला भी एकदम अलग तरीके से डालते हैं वो, और तो और कद्दू पकाने का तरीका भी एकदम अलग होता है। ये रेसिपी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत, आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप गैस ऑन करना सीधा ही और एक कढ़ाई लेना। मैंने दोस्तों यहां पर स्पेशल ऑर्गेनिक इंडिया के कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। इस रेसिपी में ध्यान इस बात का देना है दोस्तों कि तेल थोड़ा सा खुले हाथ से डालना है, यानी कि मैंने थोड़ा सा ज्यादा तेल डाला है और उसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि इस रेसिपी में प्याज टमाटर लहसुन का कोई यूज नहीं है, तो इसलिए तेल सफिशिएंट होना चाहिए ताकि कद्दू आराम से पक पाए। और इस रेसिपी में सिर्फ और सिर्फ सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करना दोस्तों, तभी वो हलवाई वाला टेस्ट आएगा। जैसे ही सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाए, उसे धुआं निकलने लग जाए, तो फिर दोस्तों सबसे पहले आपने यहाँ पर हींग डालनी है। हींग के साथ साथ एक तेज पत्ता, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्चे, और ये है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट। ये क्या है दोस्तों? ये है पंचफोरन मसाला। अब दोस्तों वैसे तो पंचफोरन मसाला आपको बाजार में बहुत आराम से मिल जाएगा, लेकिन अगर आप घर पर बनाना चाहते हो तो आप मेरी रेसिपी फॉलो कर सकते हो। मैं अपने पंचफोरन मसाले में एक चम्मच जीरा डालता हूँ, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच सरसों, आधा चम्मच कलौंजी और आधा चम्मच ही मेथी दाना। यही चीजें चाहिए दोस्तों। सीधा ही आप पंचफोरन मसाला को गरम गरम तेल में डालना और उसको थोड़ा सा भून लेना। अब दोस्तों इसके आगे आपने मसाला डालना है, लेकिन मसाला आपने ऐसे नहीं डालना, आपने एक तरीके से डालना है। तो एक बोल में आप यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर लेना, एक चम्मच तक कश्मीरी लाल मिर्च लेना, इससे रंग बहुत अच्छा आएगा। उसके साथ साथ दो बड़े चम्मच धनिया पाउडर और एक बड़ा चम्मच किचन किंग मसाला, फेवरेट होता है ये हलवाइयों का, तो किचन किंग जरूर डालना। और इसमें आप थोड़ा सा गर्म पानी डालना। अभी देखो आप, ये मसाला थोड़ा पतला है ना, 2 मिनट के लिए आप छोड़ोगे ना तो एकदम से मसाला फूल जाएगा और एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा। ये देखो मेरे डालने से जस्ट पहले ही कैसे ये मसाला एकदम गाढ़ा सा हो गया है। ये स्टेप करने से दोस्तों ना ही आपके मसाले जलेंगे और मसालों का एक पेस्ट सा बन जाएगा जो कि कद्दू को बहुत अच्छे से लपेट लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जरूर करके देखना और बिल्कुल भी थोड़ा सा मत छोड़ना अपने बोल में। थोड़ा सा और पानी डाल के पूरा का पूरा निकाल लेना। अब जो मैं आगे इंग्रेडिएंट डालने वाला हूँ, 1 इंच तक घिसी हुई अदरक, ये बिल्कुल भी नहीं जलेगी। और इसके साथ साथ मैंने 3 कटी हुई हरी मिर्चें डाली हैं, एकदम फाइनली चॉप। यही फायदा है दोस्तों मसाले ऐसे डालने का, किसी भी चीज के जलने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और उसका पेस्ट बहुत बढ़िया बनेगा। आप यहाँ पर इस टाइम पर 1.5 चम्मच तक नमक डाल देना, और काला नमक जरूर डालना इस रेसिपी में, वो इस रेसिपी की जान है। बहुत अच्छी खुशबू भी देती है, बहुत अच्छा फ्लेवर भी देती है। बस तब तक भुनना जब तक कि तेल हल्का सा अलग नहीं हो जाता, और जैसे ही वो स्टेज आ जाए तो आप यहाँ पर गुड़ डालना। मैंने दोस्तों यहाँ पर ऑर्गेनिक इंडिया के जागरी पाउडर का इस्तेमाल किया है। लगभग 25 ग्राम या 2 से 3 टेबलस्पून आपको गुड़ का डालना है। अब ये जागरी पाउडर है तो ये बहुत आराम से मिल जाएगा, बहुत जल्दी थोड़ा सा पक भी जाएगा, और इसको पकाने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल कर आएगा। और अब सीताफल का रंग देखना, रंग क्या निखर कर आएगा। अच्छा, सीताफल की बात कर ही रहे हैं दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर ये 1 किलो का सीताफल लिया है। कोशिश आप ये करना कि जब भी आप ऐसी सूखी सब्जी बनाओ सीताफल की, तो आप यहाँ पर एक छोटे कद्दू का इस्तेमाल करना जिसकी स्किन थोड़ी पतली हो, तो आप आराम से स्किन के साथ ही कद्दू को काट पाओगे। कद्दू की सब्जी होती ही ऐसी है कि कई लोगों को बहुत पसंद आती है और कई लोगों को इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये वाली जो रेसिपी है ना दोस्तों कद्दू की, ये सबको बहुत पसंद आएगी। बातों ही बातों में दोस्तों हमने कद्दू को पूरा काट लिया है, तो सीधा ही आप यहाँ पर मसालों के साथ कद्दू को डाल देना। और इस टाइम पर, जी हाँ दोस्तों, इसी टाइम पर आपने यहाँ पर एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी का डालना है, ताकि कसूरी मेथी थोड़ी सी भुन भी जाए। और अब आगे क्या करना है, आगे आपने सारी चीजों को मिलाना है। और आप यहाँ पर देख ही सकते हो, क्योंकि हमने पानी डाल के मसाला डाला था, तो मसाला बिल्कुल एक पेस्ट की तरह पूरे सीताफल के ऊपर लिपट जाएगा, और बस ढक कर आपको कद्दू को 5 से 7 मिनट तक पकाना है। बस दोस्तों, गलती से भी यहाँ पर और पानी मत डालना, क्योंकि सीताफल में अपने आप ही इतना पानी होता है कि वो आराम से पूरा पक जाए। ढक कर लो फ्लेम पर मैंने आराम से पकाया है, और 5 मिनट बाद एक बारी कद्दू को स्टर जरूर कर दिया था। ढक्कन खोलो तो ये चेक जरूर करना कि सीताफल कितना पक चुका है। अभी थोड़ी सी कसर बाकी होगी 5 मिनट में, उसको ढककर 2 से 3 मिनट और पकाना,
और फिर जब आप खोलोगे ना दोस्तों ढक्कन, तो आप खुद ही देखना कि आपके कद्दू का कलर ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बहुत ही अमेजिंग सा दिखने लग जाएगा दोस्तों ये। और तो और सीताफल एकदम नरम सा हो जाएगा, बहुत अच्छे से पक चुका होगा दोस्तों। वैसे तो आपके ऊपर है आप इसको कितना सॉफ्ट करना चाहते हो, पर मेरे हिसाब से इतना काफी है। आप ये देखो, ये अपना स्ट्रक्चर भी होल्ड कर रहा है और चम्मच से हल्का सा प्रेस करूंगा तो पूरा दब भी जाएगा। ऐसा ही होना चाहिए दोस्तों। एंड में बस आप यहाँ पर 1.5 चम्मच तक आमचूर पाउडर डालना, 0.5 से 1 चम्मच आप यहाँ पर गरम मसाला डाल देना। डिपेंड करता है, अगर बहुत स्ट्रांग है तो कम डालना, अगर कम स्ट्रांग है गरम मसाला तो 1 चम्मच डालना। आप यहाँ पर अब इन सारी चीजों को मिलाना, लेकिन दोस्तों ये जरूर करना कि आप थोड़े से कद्दूओं को अपनी करछी से ऐसे प्रेस कर देना। इससे क्या होगा कि कद्दू का हल्का सा पेस्ट भी बन जाएगा और जो मसाला है वो लपेटने लग जाएगा एक दूसरे को। यही दोस्तों वो टेक्सचर लाके देगा आपको बिल्कुल हलवाई वाला। बस दोस्तों कद्दू की सब्जी बनके पूरी तैयार है। ना इसमें प्याज लहसुन की जरूरत है, ना ही मैंने कोई टमाटर डाला है। बिल्कुल हलवाई स्टाइल रेसिपी है दोस्तों, आप इसको बना कर देखना पूरी के साथ। सच में ये कद्दू आपका और आपके घर वालों का दिल जीत लेंगे। ये तो हो गई दोस्तों बिल्कुल हलवाई स्टाइल कद्दू की रेसिपी। अगर आप बिल्कुल हलवाई स्टाइल आलू टमाटर बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप ये वाली वीडियो देखना, बिल्कुल हलवाई का टेस्ट आप घर पे बना लोगे।